मैडम कैब बुक करने के बाद ना फुल बिजी नहीं करना होता। यहाँ वेट कर रहा हूँ मैं कब से धूप में। हाँ वो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था मेरा, इसलिए थोड़ा बिजी थी। आप ये बताइए आप हो कहाँ? फिलहाल तो मैम जमीन पर ही हूँ। हाँ तो मैंने भी कोई चांद की राइड बुक नहीं करी है। मैडम फिक्र मत कीजिए, इतने पैसों में चांद तक कुछ आने भी नहीं वाला। बस फालतू बहस करवा लो इनसे। आप ये बताइए आप है कहाँ? मैडम जी कॉमन सेंस यूज कीजिए, रोड के पास आइए, दिख जाऊंगा आपको मैं। ठीक है जी। पता नहीं कैसी लड़की है, पता नहीं कैसा ड्राइवर है। चलो शुक्र है भगवान का भाई, तो आइए बैठिए। अरे ये बैग कौन रखेगा? एक मिनट, ये बैग किसका है? मेरा। अच्छा आपका है, तो आप रखिए ना मैम, उससे क्यों बोल रही है? ड्राइवर कौन है? मैं। तो इसे आप रखिए वरना मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगी ऐप पे, समझे? ये लड़कियों के नखरे खत्म नहीं होते। ठीक है रखता हूँ बैग आपका, आप बैठिए। हे भगवान क्या भरा है इसमें, इतना भारी। उत्तर रखे हैं क्या? अरे यार लगता है पंचर हो गया। क्या हुआ? मैडम जी अभी तो बोला शायद पंचर हुआ होगा, रुकिए मैं चेक करता हूँ। अरे यार ये पंचर कैसे हो गया इस टाइम, क्या करूं अब। अरे अब ये कैसे हो गया, ये सब आपको पहले से देख के रखना चाहिए ना। अब मैडम पंचर होने वाला है ये मुझे कैसे पता होगा, और जो आपने ये बैग रखवाया है ना 30 किलो का, ये पंचर उससे हुआ है। तो एक काम करिए ना, ऐसी गाड़ी को बेच दीजिए जो 30 किलो का वजन भी नहीं उठा पा रही। अच्छा ऐसी बात है, तो आपने एक काम कीजिए, यहाँ पे रिक्शा होगा ऑटो होगा आपने वो पकड़िए, क्योंकि अब मैं आपको ड्रॉप नहीं करने वाला। ठीक है? अरे पर ऐसे कैसे, मैंने बुक करी है। कोई बात नहीं, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, कर दूं कैंसिल। नहीं नहीं आप देखिए ना, अकेली लड़की हूँ मैं, कैसे दूसरा ऑटो ढूंढूंगी। आप एक काम करिए, आप जो भी करना कर लीजिए, मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी। हाँ भाई लाइन पे, आप एक काम कीजिए अभी चुपचाप मेरा वेट कीजिए, मैं टायर चेंज करता हूँ। पाना कहाँ रखा होगा अब, पता नहीं कौन सी मनहूस गाड़ी में कैब बुक कर ली मैंने। अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? अरे वो दोनों मेरे पर्स चोरी करके ले गए, पकड़ो उन्हें। हाँ एक मिनट मैडम, मैं कृष्ण नहीं हूँ, आम आदमी हूँ, वो बाइक पे है। तो गए वो, हाथ भी नहीं आएंगे। अरे पर उस पर्स में मेरे कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब कुछ था। आपका था, मुझे क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मतलब किसका फोन? फोन बच गया ना आपका, कितना अच्छा फोन है देखिए, बच गया। पर अब मैं आपकी पेमेंट कैसे करूंगी, सारा कैश तो मेरे पर्स में था ना, और मैं सिर्फ कैश यूज करती हूँ। क्या मतलब, मेरी पेमेंट भी उसी में थी क्या? हाँ। अबे यार पहले बोलती ना उनको पकड़ लेता, अब 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 क्या, जा जाना है मुझे वहाँ पे, ड्रॉप करो, उनसे पैसे मांग के दूंगी तुम्हें। एक तो पहली बार जा रही हूँ उनके घर, जानते भी नहीं हूँ उन्हें, पर तुम्हारे चक्कर में उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, सब तुम्हारी गलती है। अच्छा जी इसमें मेरी गलती है? नहीं नहीं मेरी गलती है। बस यही रुक दीजिए, यहीं पे। पर लोकेशन थोड़ी सी आगे दिखा रही है आपकी। लोकेशन आगे दिखा रही होगी पर मुझे यहीं जाना है। आपको यहाँ जाना है, इस घर में, ये B18? हाँ इसी घर में। आपके क्या लगते हैं ये? मेरे कुछ भी लगते हूँ, तुम्हें उससे क्या? अच्छा ठीक है चलिए। ओह क्या, चलिए मैं अंदर जाके पैसे लेकर आती हूँ, तुम तब तक मेरा बैग निकालो गाड़ी से। आपसे क्या ही बहस करनी, निकाल दो आपका बैग, आप जाइए अंदर। अरे जीती रहो जीती रहो, आ गई बेटा तुम। तुम्हारी मम्मी ने तो कब का फोन किया कि तुम कब की पहुंच गई। हाय आंटी जी क्या बताऊं आपको, एक ड्राइवर ने ना पूरे रास्ते दिमाग खराब करके रखा मेरा। एक्सक्यूज मी। अरे ओ अंदर कहां घुसे जा रहे हो, बड़े बदतमीज इंसान हो, तुम्हें मैंने बोला ना बाहर वेट करो, मैं कैश लेकर आ रही हूं। कमाल की इंसान है, रास्ते पर चीख चीख के आई, अभी भी चीख रही है, गले में कौन सी बैटरी है? अच्छा और तुमने तो जैसे मेरे पे बड़े फूल बरसाए है ना। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो,
नहीं नहीं आंटी जी, आपको नहीं पता इसके बारे में, बड़ा बदतमीज इंसान है, इसकी वजह से मेरा पर्स भी चोरी हो गया और अब घर में तो ऐसे घुस रहा है जैसे इसके बाप का घर हो। जी मैडम, मेरे बाप का ही घर है। मम्मी समझाओ, ये लड़कियां ऐसी होती हैं। अरे आंटी जी, आपको मम्मी सही कह रहा है बेटा, उसके बाप का ही घर है। अरे बेटा है वो मेरा। आपका बेटा? आओ अंदर आओ।